नाउ एक्टिविटी फोर। एक्टिविटी फोर में आप जानोगे क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर के बारे में। राइट ओपन और क्लोज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो तो जो डायग्राम स्टार्टिंग जहाँ से करते हो यदि वहीं पे ख़त्म होता है, स्टार्ट करते हो जहाँ जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट से जब क्लोज होगा तो वो जो वहाँ जो फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो क्लोज्ड फिगर कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा बंद है ये क्लोज्ड है। यहाँ स्टार्टिंग, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना इसको, देखिए ऐसे 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 करके हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज हो गया। जहाँ लास्ट जहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही स्थान पे होगा तो क्लोज्ड फिगर होगा। ओपन फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक जगह नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया ओपन फिगर, हो गया ये क्लोज्ड, हो गया ये ओपन, हो गया ये फिर क्लोज्ड ओपन। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में इसको फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे एस जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ, मतलब ये ओपन फिगर। इसका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ से वो लास्ट में जहाँ वहाँ टच हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहाँ मिल गया तो क्लोज्ड फिगर हो जाता है, ठीक है, क्लोज्ड। ये हो गया ओपन फिगर। नाउ एक्टिविटी फाइव यू हैव टू डू इन नोटबुक। एक्टिविटी फाइव आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। दो आपको स्क्वायर बनानी है, रेक्टेंगल बनाना है, लंबाई यहाँ दिया मैंने, यहाँ ड्रॉ करके यहाँ बनाया। स्केल से खेल करना है बेटा, ए बी 6 सेंटीमीटर लेना है, बी सी बी डी लेना है, उसके बाद डी सी, इस तरह से फिर दोनों के डायगोनल्स को, ये दोनों जो क्रॉस करती है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इसको डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी फाइव का आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये बहुत छोटा सा एक्टिविटी है, ए बी सी डी जे स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ए डी एंड बी सी आर टू डायगोनल्स, ए सी देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर का। ए डी और बी सी आर टू डायगोनल्स, ए डी बी सी दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये एम एन ओ पी, एम एन ओ पी एक रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर जो है एंड 6 सेंटीमीटर का। एम पी और एन ओ आर टू डायगोनल्स, बोथ आर इक्वल इन साइज, ये इसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल, ये वाला डायगोनल्स एक ये वाला डायगोनल, इसी तरह यहाँ पर डायगोनल, ये डायगोनल्स, ये दोनों आपको इक्वल्स होते हैं, ओके। एक्टिविटी फाइव आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक्टिविटी पैरेलल लाइंस, अब हम लोग जानेंगे क्या होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आप देखेंगे, कभी आप रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व किया है ट्रेन के, द रेलवे ट्रैक्स नेवर मीट ईच अदर, कभी भी ये लाइन जो दो रेलवे ट्रैक की कभी भी मिलती नहीं है। वी कैन से दैट दे आर पैरेलल, दो उसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। नाउ लुक एट द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन नोटबुक्स, आप नोटबुक्स में भी जब लिखते हो लाइन लाइन के अंदर में, तो आप देखोगे उसकी जो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल मिल नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो टू कंसेक्यूटिव लाइंस नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम्स, ये देखिए जो लाइन हम लोग खींचते हैं ऐसे ऐसे लाइन जो होती है वो कभी भी मिलती नहीं। टू कंसेक्यूटिव का कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार जो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, वो आपस में नहीं मिलते हैं बेटा, तो ये लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। टू कंसेक्यूटिव लाइंस नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम, सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, देखिए अपोजिट एजेज ऑफ द रूलर, ये वाला और ये वाला अपोजिट है दोनों, ये वाला और ये वाला, ये कभी आपस में नहीं मिलते थे, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। रेक्टेंगल के, स्क्वायर के जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं वो कभी भी नहीं मिलते, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ठीक है। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, लुक एट द फिगर, यहाँ फिगर को देखिए कैसे एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं। टू लाइंस ए बी और सी डी कट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं बेटा। द लाइंस मीट एट ए पॉइंट ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो रहा है ए बी और सी डी जो है तो लाइन है और ये ज़ीरो पर, यहाँ पे यहाँ ज़ीरो है ना, ओ पे
यहाँ जीरो लिखा है या ओ पर, ये ओ पर यहाँ पे कट हो रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, कट हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मिल रहा है, ओ पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और जीरो क्या है, जो ओ क्या है, जीरो भी है या ओ कहिए, ओ जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर? नाउ लेटर एक्स, देखिए एग्जाम्पल दिया लेटर एक्स, यहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिशन साइन, इसे सब इंटरसेक्टिंग है बेटा, एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। मोर अबाउट प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स में देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में देखिए चार साइड्स हैं, साइड्स क्या क्या हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। वर्टिसेस क्या है, कॉर्नर्स ए बी सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। नाउ लुक एट द ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी सारे जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं बेटा। ए डी इजकल टू, देखिए ए डी या ए बी ले लो, ए बी इजकल टू डी सी, ए डी इजकल टू बी सी, अपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। ए सी इज फॉर्म्ड बाई अपोजिट वर्टिसेस ए एंड सी। ए सी जो है उल्टे उल्टे जो हैं दोनों के अपोजिट वर्से अपोजिट में जो हैं उनके कॉर्नर से बने, ए और सी। बी डी कैसे बना है, बी और डी जो वर्टिसेस हैं उनके अपोजिट साइड से। ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड डायगोनल्स। ये जो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है ना एक दूसरे को, उसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। ए सी और ए सी बी डी आर कॉल्ड डायगोनल्स। ओके नाउ स्क्वायर, स्क्वायर में भी देखिए क्या, पी क्यू आर एस ई जे स्क्वायर, चार साइड्स हैं और चार वर्टिसेस हैं, वन टू थ्री फोर, चार साइड्स हो गए। वर्टिसेस कितने हैं, चार, पी क्यू आर एस कॉर्नर्स हैं इसके। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स, पी आर और क्यू एस आर डायगोनल्स। ओके ये पॉइंट पे यहाँ मिलते हैं। नाउ एक्टिविटी फाइव, मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी फाइव आपको नोटबुक में करना है। ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ऑन ए स्क्वायर पेपर, ड्रॉ द टू डायगोनल्स आर दे इक्वल, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऑन ए स्क्वायर पेपर, ड्रॉ द टू डायगोनल्स आर दे इक्वल। ये मैंने एक्टिविटी में आपको यहाँ पर जस्ट देखिए, आप देखिए यहाँ मैंने करके दिखाया है आपको, ये रहा ये एक्टिविटी फाइव मैंने यहाँ करके दिखाया था। आपको भी इस तरह से एक्टिविटी फाइव कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। वो एक ही पेज पे स्पेस पड़ा था तो मैंने वहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके नाउ 10 ग्राम्स क्या होता है, अब आ रहे हैं हम लोग 10 ग्राम्स के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है एक ओल्ड चाइनीज पजल है। क्या है, 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल, ए स्क्वायर डिवाइडेड इंटू 5 पीसेस और 7 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीसेस 10 ग्राम और 7 पीस 10 ग्राम रेस्पेक्टिवली। मीन्स चाइनीज पजल में यह एक 10 ग्राम इज ए चाइनीज पजल है, जिसमें एक स्क्वायर को 5 पीस और 7 पीस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए कैसे इसको बनाता है, देखिए 1 2 3 4 5, ए 5 पीसेस 10 ग्राम कंसिस्ट ऑफ एक 3 ट्राइंगल्स, देखिए 1 2 और 3, 3 ट्राइंगल्स, 1 देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 जो है एक्चुअली पैरेललोग्राम है, बट आप नहीं समझोगे, रेक्टेंगल इवन स्क्वायर के जैसे ही है, या इस तरह से बनता 3 1 1 के पीस में बनता है। 7 पीसेस 10 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 5 ट्राइंगल्स हैं बेटा, 1 2 3 4, 5 ट्राइंगल्स हैं, 1 स्क्वायर है और 1 जो है ये पैरेललोग्राम और रॉम्बस है बेटा, ये आप रेक्टेंगल की जैसा ही है इसको मान लीजिए, क्योंकि आप अभी छोटे हो, अभी उतना तक नहीं जाना है आपको, है ना। तो आपको भी इस तरह से 10 ग्राम बना के नोटबुक में चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे आप एक स्क्वायर को, नंबरिंग इस तरह से करके फिर आप एक 10 ग्राम बनाएं। मैंने बनाया है आपकी नोटबुक में, देखना आप भी, देखिए इस तरह से आपको कटिंग करके बनाना है बेटा। एक्टिविटी 6 को मैंने नोटबुक में बनाया, क्रिएट डिजाइंस एंड शेप्स यूजिंग द 5 पीस 10 ग्राम एंड 7 पीस 10 ग्राम इन योर नोटबुक। ये एग्जाम्पल आपको 5 पीस 10 ग्राम कैन बी जॉइंट टू फॉर्म द फॉलोइंग पिक्चर, इस तरह का पिक्चर आपको बनाना है। कलरफुल पेपर लीजिएगा तो अच्छा बनेगा। यहाँ भी मैंने लिया है
कोशिश की है बनाने का, मैंने यहाँ आपको दिखा रही हूँ। टू बी डन इन नोटबुक, मैंने कलरफुल पेपर लिया 10 ग्राम, देखिए 5 पीस 10 ग्राम बड़ा सा बनाया मैंने, देखा ये देखिए 1 2 3 4 5 5 पीस 10 ग्राम मैंने बनाया, ये है 7 पीस 10 ग्राम, ये देखिए यहाँ पे 7 पीसेस 10 ग्राम 1 2 3 4 5 ये 6 ये हुआ 7। ये आपको नोटबुक में बना कलरफुल पेपर, देखिए मैंने बना के चिपकाया है बेटा नोटबुक में, ये आपका टेक्स्ट बुक है, मैं कलरफुल पेपर 2 अलग अलग कलर के लिए हैं और इसको पेस्ट कटिंग करके पेस्ट करना आपको, इसे नोटबुक में कंप्लीट करना 10 ग्राम बनाना। ओके नाउ मोर अबाउट सॉलिड शेप्स, लेट अस रिविजिट द सॉलिड शेप्स वंस अगेन, फिर से हम सॉलिड शेप्स को रिवाइज करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड हैज 6 प्लेन्स फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, इट्स अपोजिट फेसेस आर इक्वल। अभी मैं जस्ट इसको बताया, ये सब सारे जो हैं आपके सॉलिड फेसेस हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये सब सारे क्या हैं आपके जो है सॉलिड फेसेस हैं, सब सॉलिड हैं, सिलेंडर, कोन है ना, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये मोर अबाउट सॉलिड फेस शेप्स, इसके शेप्स के नाम आपको पता है अभी। अब इसके बारे में कितने वर्टिसेस हैं, कितने साइड्स हैं, ये हम लोग प्रॉपर वे में आप पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए मैं आपको इस आपके टेक्स्ट बुक में उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं यहाँ दूसरे नोटबुक से टेक्स्ट बुक से यहाँ कॉपी की हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। प्लेन फिगर में देखिए क्या क्या होता है, पर सिंपल से आप देखेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। पहले हम एक स्क्वायर के बारे में बताते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में साइड किसको बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर में ये वर्टेक्स है बेटा, ये वर्टेक्स है, वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टेक्स है, कॉर्नर है, ये साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ देखिए इट हैज़ 4 वर्टिसेस और 4 साइड्स इक्वल्स है। रेक्टेंगल में वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स और वर्टिसेस दोनों बोलते हैं कॉर्नर्स को, वर्टेक्स ये रहा कॉर्नर्स। 1 ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल्स, इट हैज़ 4 वर्टिसेस ए बी सी डी, ठीक है, वर्टेक्स का कॉर्नर एक होगा तो वर्टेक्स होगा, सब 4-5 होंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। इट हैज़ 4 साइड्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये साइड्स जो हैं इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ट्राइंगल में देखिए वर्टेक्स में 3 वर्टेक्स होंगे, 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं सेंटर, ये सर्कल, सर्कल में क्या है देखिए, सर्कल हैज़ क्लोज्ड प्लेन फिगर है, ओ जो है एक पॉइंट है, कॉल द सेंटर जो है सर्कल ऑफ द सेंटर, कॉल द सेंटर, ये जो ओ है यहाँ उसको सेंटर बोलेंगे। इट हैज़ नो वर्टेक्स और साइड, कोई साइड नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता, ये आपको ज़रूरी था जानना। कॉर्नर्स किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे साइड्स जो हैं, ये साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं बेटा, याद रखना आपको, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा हम लोग जान करें, ठीक है। मोर अबाउट सॉलिड, अभी आप जरा सॉलिड में देखिए यहाँ पे, ये है आपका फेस, द सरफेस ऑफ ए सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स फेस, जो पहला पेज होगा जैसे ये जो है सबको हम फेस बोलेंगे, फेस, ठीक है। एज इज टू फेसेस मीट, कॉर्नर्स क्या हुआ, एजेस, एजेस इज वेयर टू फेसेस मीट, दो फेस मीट होते हैं उसको हम लोग एज बोलते हैं, ये देखिए कर्व्ड एज है, दो फेसेस मिल रहे हैं इसको हम कर्व्ड एज बोल रहे हैं। एज कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट, देखिए ये जो है स्ट्रेट एज है, ये कर्व्ड एज है, एज जो है जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं उसको एज बोलते हैं, दोनों फेस मिल रहे हैं ना इसलिए इसको एज बोलते हैं। और ये जो है दो तरह के एज होते हैं, एक कर्व्ड, ये कर्व्ड एज है बेटा, कॉर्नर देखिए साइड साइड में है ना, उसको कर्व्ड एज बोलते हैं, और ये वाला जो है स्ट्रेट एज है, ये सीधा सीधा एज, 1 2 है ना। टू एजेस मीट ए पॉइंट नोन एज वर्टेक्स, जहाँ पे दो किनारे मिलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये और ये लाइन, कॉर्नर जहाँ मिले हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। चलिए अब आ रहे हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है, ये है क्यूबॉइड, देखिए एक क्यूबॉइड है 6 फ्लैट फेसेस, 6 फ्लैट फेसेस, 1 2 3 4 5 उस साइड पीछे वाला साइड है, 1 6, तो इसके बाद क्यूबॉइड के 6 फ्लैट फेस हैं, 12 एजेस हैं बेटा, देखो कॉर्नर देखना, 1 2 3 4,
ऊपर फोर, नीचे फोर, साइड में फोर, साइड में फोर, तो 12 एजेस होते हैं। 6 फ्लैट फेसेस होंगे, 12 एजेस, और 8 वर्टिसेस होंगे बेटा, कॉर्नर्स, वर्टेक्स, ऊपर के 4, नीचे के 4, है ना, कॉर्नर 1, 2, 3, 4, ये 4, 4, 8 वर्टिसेस होंगे। ओके, क्यूब, क्यूब में भी देखिए, क्यूब हैज़ 6 फ्लैट फेसेस, क्यूबॉइड की तरह ही, इट हैज़ 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ठीक है, सेम क्यूबॉइड और क्यूब के सेम वर्टिसेस, सेम आपको वर्टेक्स होंगे। स्फेयर, स्फेयर में क्या देखिए, स्फेयर हैज़ ओनली 1 कर्व्ड फेस, स्फेयर में ओनली 1 कर्व्ड फेस है, नो वर्टिसेस, नो एजेस। ओके, सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है, ए सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेसेस, सिलेंडर में देखो ऊपर और नीचे दोनों कर्व्ड फेस हैं, और दो साइड में जो हैं फ्लैट फेसेस हैं। ए सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस है, ठीक है, ये देखिए कर्व्ड फेस और ये वाला है ना प्लेन फेसेस है, ये प्लेन फेस, ये प्लेन फेस, कर्व्ड फेस, और ये एज, एज जो है किनारा है, ये 2 एजेज है, इधर भी एक एज है, इधर भी एक एज है, कर्व्ड फेस उधर वाला कर्व्ड फेस है, ठीक है, प्लेन फेस। सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेस, ये और 1 कर्व्ड नीचे की ओर, देख रहे हैं ना, फेस है। नाउ कोन, कोन देखिए, कोन में क्या, एक कोन हैज़ 1 फ्लैट फेस, देखिए यहाँ पे 1 फ्लैट फेस है, ये वाला फ्लैट फेस, प्लेन फेस, और 1 कर्व्ड है, चारों तरफ से बेटा गोल से घूम जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आइसक्रीम की कोन हुई, बर्थडे में जो आप कैप लगाते हो वो हुआ, आपको कोनिकल शेप है, कोन्स हैं। इट हैज़ 1 एज, एज किनारा जो लास्ट में एक, 1 एज और 1 वर्टेक्स, कॉर्नर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है बेटा किस में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने शेप, कितने इसके प्लेन फेस हैं, कितने कर्व फेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छा से इसलिए एक्सप्लेन किया गया। देखिए यहाँ पर कितने अच्छा से बताया गया, स्ट्रेट, स्ट्रेट एज है ये कर्व एज है, ये एजेस, किनारे को हम लोग एजेस बोलते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, कोने जो होते हैं उसको वर्टेक्स या वर्टिसेस बोलते हैं, और ये सब जो है साइड साइड उसको फेस बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स, फेस, एज, किनारे को हम लोग एज बोलते हैं। अब सर्कल में, स्फेयर में, सॉलिड फेस है ना बेटा, तो इसको देख कर्व्ड फेस है यहाँ पे, देयर इज़ नो वर्टेक्स और नो एजेस, इसमें कोई भी एज नहीं होता और कोई भी किनारा नहीं होता। नाउ सिलेंडर में भी देखिए, यहाँ पे प्लेन फेस है, नीचे वाला प्लेन फेस है, दोनों साइड में प्लेन फेस है बेटा, और जो गोल गोल घूम रहा है साइड वाला, जो ये एजेस हैं, किनारे हैं ये सब, तो कर्व्ड फेस है। कोन में भी एक जो है वो होता है, एक फ्लैट फेस होता है, फ्लैट है नीचे की ओर, प्लेन जो है, प्लेन, प्लेन फेस और फ्लैट फेस हुआ, ठीक है, फ्लैट है, प्लेन फेस है वो, और ये है एज, किनारा उसका एक एज है, एक वर्टेक्स है बेटा, कर्व्ड भी एक फेस होता है, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, इसको लर्न रखना है बेटा एक्टिविटी, ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, दूसरे बुक से मैंने इसको लिया है, इसे बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया कॉर्नर्स को, फेसेस को, ठीक है। नाउ आपको एक्टिविटी 7 इस तरह से फील करना है, नंबर ऑफ प्लेन फेस कितने हैं, 6 है, 1, 2, 3, उस साइड में 4, 5, नीचे की ओर 6, नंबर ऑफ कर्व्ड फेस कितना है, 0 है, नंबर ऑफ एजेस 12 है बेटा, देखो इधर 4, इस साइड वाले 4, ऊपर 4, 4, 8, 4, ये बार चारों ओर से फेस कितने हैं, नंबर ऑफ एज कॉर्नर्स हैं 12 है बेटा, 1, 2, इधर 4 हैं, नीचे की ओर 4 हैं, इधर भी 12 हैं इसके, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं इसके, 8 है बेटा, ठीक है। इसके देखिए, इसके सीधे इस तरह से आपको फील करना है बेटा, 0, 1, 0, 0, सबको फील कीजिए, इसमें कोन देखिए इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेन फेस एक ही है, कर्व्ड, नंबर ऑफ कर्व्ड फेस 1 है, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, कॉर्नर्स जो हैं 1 हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉर्नर यहाँ पे 1 है, ठीक है, सब 1-1 है इसके, इसके भी 6, 0, 12, 8, सेम, वो क्यूबॉइड की तरह ही है। अब ये देखिए सिलेंडर का 2 हैं, 1, 1, 2, 1, 2, 0, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेन फेस 2 हैं, नंबर ऑफ कर्व्ड फेस कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ
एजेस कितने हैं, टू हैं बेटा, देखिए एजेस टू, इधर एक कॉर्नर इधर एक कॉर्नर, और ये वर्टिसेस है ही नहीं इसमें। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी 7 को। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, बस आपको नंबर्स याद रखने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, कितने एजेस हैं, कर्व्ड फेस कितने हैं, और जो है प्लेन फेस कितने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।